की बेरहमी से पिटाई करने पर होमगार्ड के विरुद्ध मामला दर्ज, विभागीय कार्रवाई होगी। एसडीएम ने दिया आदेश। नवाबगंज में तहसीलदार की सुरक्षा पे तैनात दो होमगार्डो ने एक प्रहरी चौकीदार की लात घूंसो राइफल की पट से पिटाई कर दी। तहसीलदार परिसर में इस वीडियो जो वायरल हुआ, इस वीडियो के वायरल होने पर मामला सुर्खियों में आ गया, जिस पर एसडीएम गोविंद सिंह मौर्य ने होमगार्ड की लताड़ लगाते हुए कार्रवाई की दी चेतावनी। वही अनुसूचित जाति के ग्राम प्रहरी वीरेंद्र धानुक की ओर से आरोपी होमगार्ड रामपाल गंगवार और वीर बहादुर गंगवार के विरुद्ध धारा 323 व 504 के तहत साथ एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। वही एसडीएम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, अब विभाग की ओर से ही दोनों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं बहन नगला का रहने वाला हूं, चौकीदार हूं, थाना नवाबगंज में ड्यूटी करता हूं चौकीदारी। और दिन मंगलवार को मैं अपनी फर्द लेने के लिए आया था। फर्द लेने आया, जो दो होम गार्ड के गेट पर खड़े थे, होम गार्ड के लोग गेट पर खड़े थे, तो जो गलत सलत गालियां दे रहे थे कि पैसे ले लेते हैं और गल्ला ले लेते हैं, फ्री का ले लेते हैं, वो करते हैं और जाते कहीं अंत है। तो मैंने साहब कह दिया, गरीब आदमी को अगर दो पैसे का अगर लाभ मिल रहा है तो भैया तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? आप नौकरी कर रहे हैं, गरीब आदमी को गल्ला मिल रहा है, बेचारा अपना पेट पाल रहा है। इसी बात को लेते हुए इन्होंने मेरा गालोमान पकड़ा, होमगार्ड के लोगों ने इनमें बुरी तरीके से मेरी पिटाई की, बंदूक की बटों से और लातों और घूसों से, जूता मेरी कान पर रख दिया, मेरे गले पर रख दिया जूता। आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, अगर सच्चाई नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल थाने में आप तहसील में लोगों ने मुझे बचाया था, बचाने के बावजूद मैं सीधे थाने गया था। थाने जाके मैंने तहरीर दी है, मगर तहरीर में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों सस्पेंड हो, कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलना चाहिए। मैं एससी का आदमी हूं, मेरा नाम वीरेंद्र है, बहन नगला का रहने वाला हूं। तहसील परिसर नवाबगंज से संबंधित सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो होमगार्ड एक व्यक्ति को मारपीट रहे हैं। इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, पीड़ित को पहचान कर तत्काल उससे तहरीर प्राप्त की गई है और सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी नवाबगंज को विवेचना सुपुर्द की गई है, शीघ्र ही इस प्रकरण का विधिक निस्तारण कराया जाएगा।